हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथी जी बैट्स गर्ल। एक बार फिर से आपकी मैथी जी क्लास में मोस्ट मोस्ट वेलकम। जैसा कि हम जेई मेन सीरीज पढ़ रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन कितने हो चुके हैं? 16 हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जो 2024 5 अप्रैल से नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। ऐसे जनरल क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं बच्चों। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है आपको, एक बाइनोमियल दे रखा है, बाइनोमियल टर्म दे रखा है, जिसमें आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म निकालना है। और कांस्टेंट टर्म निकालना इसका मतलब क्या आएगा, एक्स की पावर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म हमारे पास में क्या आ जाएगी, 12 सी आर, और फिर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/5 अपॉन एक्स की होल पावर में क्या आ जाएगा, 12 माइनस आर आ जाएगा, और फिर 2x अपॉन 5 की पावर 1/3 की होल पावर क्या जाएगा, आर आएगा। इसमें हम क्या लगाते हैं, जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, x की पावर 0 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो x की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर माइनस या माइनस, जैसे पावर ऊपर जाएगी क्या, माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे x की पावर क्या है, r, इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इक्वेट कर देंगे हम, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 6 आ जाएगी। आर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 6 आ गई। अब 6 आ गई तो इसका मतलब हमको अब टर्म मिल चुका है। इट मीन्स वो टर्म कौन सा है, 7 टर्म है। अगर तुमको टर्म पूछा जाता तब टर्म कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाता। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या आएगी हमारे पास में, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर, आर की वैल्यू 6 है, वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, 12 सी 6, फिर 3 की पावर 1/5 की होल पावर क्या आ जाएगी, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 की पावर r इंटू 5 की पावर क्या आएगी, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 1/3 इंटू r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक ही खोलना था हमको, तो 6 टर्म तक हमने खोल लिया, 6 5 4 3 2 1 आ गया। ठीक है, अब इसको भी खोल लेते हैं तो क्या आएगा, 3 की पावर 6/5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर 1/5 लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको गिवन है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये 2 की पावर क्या है, बेसिकली r, r की जगह हमको 6 पुट करना था, तो 2 की पावर 6 है, और यहाँ क्या आएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगी, 1/ ये और ये कट जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो 6 2 जा कितना होता है, 12, तो इसी तक कैंसिल आउट कर लिया। 5 को मैंने 10 को 2 टाइम काट दिया, 4 2 टाइम कट कर दिया, और ये हमने 3 टाइम कट कर दिया। ठीक है, अब 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 हमारे पास में आ रहा था, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 2 की पावर 8 में लिख लिया। फिर क्या आ रहा है, 3 की पावर में क्या जाएगा, 1/5 आ जाएगा, इसको भी हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब जो बचा हमारे पास में वो कौन बच गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में क्या बच गया, 2 चला गया, 11 × 3 = 33 और 8 × 7 * क्या बच गया, 3 बच गया, बाकी सब कुछ क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब हमारे पास में जो बेसिकली जो वैल्यू है वो किसकी है, ये पूरी वैल्यू किसकी, अल्फा की है, तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, 25 अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। 25 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 33, यहाँ पे 33 है, इसको क्या कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 7 से 21, फिर 7 से 21, 21 और 2 भी तो आ जाएगा, 23 हो जाएगा, और क्या बच गया हमारे पास में, 3, और डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, 5 का स्क्वायर बोले तो 25, और हमको क्या करना था, 25 से मल्टीप्लाई करना था, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा मेरे पास में, 3 3 9 और 3 2 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको जेईई मेन सीरीज कराता रहूंगा बच्चों, तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।